हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 11 के चैप्टर 1, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर में और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पिक है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग, इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। उन्होंने ग्रीक के दो मूल शब्दों जियो, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, तथा ग्राफोस, जिसका अर्थ वर्णन होता है, से किया था। इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाने पर पृथ्वी का वर्णन बनता है। तो ज्योग्राफी का मीनिंग, ज्योग्राफी का सीधा साधा मीनिंग हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो इसमें हमारा मैदान हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन में। स्तंभ फर्स्ट को सेकंड के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। तो हमारे स्तंभ क में है प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान और स्तंभ ख में है भूगोल की शाखाएं। चलिए हम इसको मिलाते हैं, देखते हैं कौन किसमें जाएगा। तो हमारा ये पहले तो मौसम विज्ञान चला जाएगा, जलवायु, क्योंकि मौसम और जलवायु जानते हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। जनाकी जन मतलब जनसंख्या होता है, जनाकी का मतलब जनसंख्या होता है, इसलिए आवाने में चला गया। समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल, समाज का मतलब सामाजिक, वही मृदा विज्ञान मृदा भूगोल, ये तो सिंपल है। तो हमारा देखिए पहला गया, पहला ये किसमें गया? पहला गया समय, पहला गया समय, दूसरा गया आमे, और तीसरा गया द में, तथा चौथा गया ब में। तो हमारे ये आंसर हो जाएगा घ, घ वाला आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा होता है? तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा क, क्यों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क, ठीक। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो पांचवा है। ये क्वेश्चन में क्या गया, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक मतलब समय का विश्लेषण करता है कि इस सन में क्या हुआ, उस सन में क्या हुआ। तो ये सब प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं? तो हमारे इतिहास में पूछे जाते हैं। सन वगैरह ये सब कालिक संश्लेषण कहलाते हैं, जो इतिहास में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नंबर दो, प्रश्न दो है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक। आप विद्यालय जाते समय किस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे समान हैं अथवा असमान? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? तो हमारा उत्तर है, हम जब विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में दुकान, सिनेमा घर, सड़क, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कर्मचारी, सरकारी कार्यालय आज सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। ये सभी लक्षण असमान हैं, इन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हम इन लक्षणों को प्रायोगिक भूगोल के संकेत में चिन्हों के माध्यम से समझते हैं। ये सभी सांस्कृतिक लक्षण सांस्कृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के हिस्से हैं। तो हमारे ये भी क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। नहीं, ये दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड है। आपने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी देखा होगा, इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति वर्णित करने के लिए क्यों चुना है? तो इसका हमारा जो आंसर होगा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो तो गोल, एकदम गोल है ही नहीं। हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं उठी है तो कहीं दबी है, ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी। अरे भाई, अपने अपने पृथ्वी में महासागर भी है, पर्वत भी है, अपना एवरेस्ट भी तो खड़ा है यही कहीं, वो सब कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ढाल, कहीं उचाव, ये सब होते हैं ना, इसलिए हमारी पृथ्वी ठीक ठाक गोला नहीं है,
वो कहीं चिपटी है, कहीं उठी है, कहीं फैली है, कहीं सोई है, ऐसा होता है। ये ध्रुवों पर चपटी होती है, इतना मान के चलिए। तो हमारा आंसर जो है, हमने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी को देखा है। इनमें से संतरे की आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती है, क्योंकि टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद पूर्ण रूपेण गोल होती है, जबकि लौकी लौकी होती है, लौकी लंबी होती है। संतरा गोल तो होता है, लेकिन थोड़ा चपटा होता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी भी ध्रुव पर चपटी है। हमारा अगला एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार परिस्थिति की संतुलन बनाए रखते हैं? तो इसके आंसर है, हाँ, हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने प्रांगण में पौधे पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने का अभियान चलाते हैं। पेड़ पौधे में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखी है, वे कहाँ रहते हैं एवं बढ़ते हैं? उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? क्या आप उस मंडल को कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? तो इसका हमारा जो उत्तर है, हमने हाथी, हिरण, केंचुआ, वृक्ष एवं घास देखी है, जहाँ वे रहते हैं एवं बढ़ते हैं। उस स्थान या जगह को जैवमंडल का नाम दिया गया है। जीवन को आश्रय देने वाली पृथ्वी का वह घेरा, जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। सजीव जीव मंडल के जैविक घटक हैं वायु, मृदा और जल निर्जीव घटक हैं। जीव मंडल में गतिशील और स्थिर दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। गतिशील जीवों में पशु, मानव, कीड़े मकोड़े, जल जीव आदि आते हैं। स्थिर जीवों में पेड़ पौधे, घास आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा है, जिसे आप अपने मन से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसे बैठा कर इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद ये वही क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आता है, आप अपने परिस्थान का अवलोकन करें। परिस्थान मतलब आप जहाँ रहते हैं उसके चारों तरफ का अवलोकन करें कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते, सभी पशु एवं पक्षी जिन्हें आप देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, ये सभी भिन्न तत्व धरातल पर पाए जाते हैं। क्या अब आप यह तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है, भूगोल में अपने परिस्थान का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। जैसा जहाँ जलवायु रहती है वहाँ वैसे पशु और पक्षी पाए जाते हैं। प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन भिन्न तरीके से किया जाता है। किसी भी तथ्य के बारे में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसको अध्ययन किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण करके क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, विश्व के वनों के बारे में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम यह पता लगाया जाता है कि विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे विषुवती रेखीय, सदाबहार वन, कोणधारी वन, मानसूनी वन आदि। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या नामित प्रदेश हो सकते हैं। तो हमारी ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अंतरपृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। अंतरपृष्ठ मतलब इंटरफेस, सामने सामने के। तो इसको हमारा जो उत्तर है, आंसर वो है कि भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से अंतर संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञान करना। वस्तु विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है,
तथा उस समय समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने निश्चित निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिफल होते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये तो परियोजना कार्य है, इसे हम प्रैक्टिकल करते हैं। जो प्रैक्टिकल के लिए हमारा क्वेश्चन जो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि ये सब हमारा, देखिए ये जो प्रदेश दिखाई दे रहा है ये उष्णकटिबंधीय, जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उष्णकटिबंधीय यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। इसी जो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का है ये उष्णकटिबंधीय है, और फिर इसके बाद जो एकदम इसी में आप देखकर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस कलर को इस कलर से मिलाकर देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कैटिल वन, यही सब पाए जाते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें हम ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।